आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं जंतर मंतर। यहां आने के लिए आप नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहां से आपको मेट्रो लेना होगा। मेट्रो जो इसके सब में पास में है वो है जनपथ, वहां से 500 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है और आप आराम से पैदल वहाँ से आ सकते हो। और अगर आप यहाँ आते हो और उसके साथ में आप और क्या क्या देखना चाहते हो, यहाँ पर आप जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है, राष्ट्रपति भवन है और लाल किला है। जब आप यहाँ आते हो तो वो सब भी आप यहाँ ज़रूर देख के जाना। और बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ रुकना चाहते हो तो यहाँ होटल भी है, गेस्ट हाउस है, धर्मशालाएं हैं। और अगर आप अदर कंट्री से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो इसी के पास में ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। और जो इसका खुलने का समय है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। अगर आप मैनुअली टिकट लेते हो तो आपको 25 रुपये की पड़ेगी, अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हो तो आपको 20 रुपये की मिलेगी। ऑनलाइन के लिए बाहर QR कोड स्कैन लगा होगा, आपको उसे स्कैन करना होगा और उससे आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी करना चाहते हो उसके लिए आपको अलग से 25 रुपये की टिकट अलग से आपको लेनी होगी। चलो चलते हैं अब जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर का निर्माण 1724 में राजा जयसिंह ने करवाया था। जंतर मंतर हमारे प्राचीन भारत के विज्ञान की एक मिसाल भी है। और जो दिल्ली का जंतर मंतर है ये समरकंद की वेद्यशाला से प्रेरित है। और जंतर मंतर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह हुआ करते थे उनका भी कार्यकाल था और उसमें जो मुस्लिम खगोल शास्त्री थे और हिंदू खगोल शास्त्री थे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इस कारण राजा जयसिंह ने जंतर मंतर बनाने की ज़रूरत पड़ी। और इसके जंतर मंतर के विभिन्न अंग हैं, जैसे सम्राट यंत्र है, मिसर यंत्र है, राम यंत्र या प्रकाश यंत्र भी है। अब हम आगे वीडियो में चलते हैं और मैं आपको साथ के साथ में बताता हूँ राम यंत्र क्या काम करता है, मिसर यंत्र क्या काम करता है और सम्राट यंत्र क्या काम करता है। और ये जो आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हो ये सम्राट यंत्र है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये CD है, ये CD नहीं है, ये सम्राट यंत्र है। और ये जो इसके ऊपर आप ये गुम्बद सा देख रहे हो CD के ऊपर, ये जैसे हमारे घर में घड़ी होती थी और घड़ी के बीच में जो बड़ी सुई होती थी, ये सूर्य के प्रकाश से हमें समय बताता है और घरों की दिशा बताता है। और ये जो आप ये साइड में छोटा छोटे देख रहे हो ये दीवार नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया था जो घड़ी थी ये उसके बीच की जो छोटी सुई होती हैं वो ये उसका काम करती हैं। अब जंतर मंतर के आगे की तरफ चलते हैं और मैं साथ के साथ में आपको बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। वो जो बिल्कुल आप मेरे सामने देख रहे हो उसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था आपको, वो सम्राट यंत्र है जो कि इस जंतर मंतर की मैन है। और ये सम्राट यंत्र जो है ये सूर्य की सहायता से हमें वक्त और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी देता है सम्राट यंत्र। और ये जो आप ये मेरे ये पीछे देख रहे हो, एक ये है और एक ये है, इसको हम राम यंत्र या प्रकाश यंत्र भी बोलते हैं। राम यंत्र, प्रकाश यंत्र, ये दोनों का एक ही नाम है लेकिन अलग अलग नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से, मुस्लिमों का जो उस टाइम कैलेंडर होता था वो 28 दिन का होता था और ये जो हिंदुओं के हिसाब से बना गया, हिंदुओं का जो उस टाइम जो कैलेंडर होता था वो 30 दिन का होता था। मोस्टली जो लोग यहाँ आते होंगे उनको भी इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी कि उस पुराने टाइम में दो कैलेंडर बनते थे, एक मुस्लिमों का कैलेंडर बनता था और एक हिंदुओं का कैलेंडर बनता था। और कैलेंडर के दिनों के हिसाब से इनके अंदर कड़ी हैं और एक सतम है जिनसे ये पता लगता था सूर्य की सहायता से कि आज महीने का कौन सा दिन है। और इसके अंदर 30 कड़ी हैं जो कि सूर्य की सहायता से ये पता लगता था कि आज महीने का कौन सा दिन है। अब मैं आपको इसके अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वो कड़ी कैसी हैं। ये आप देखिए, इसके अंदर से ये मुस्लिमों का कैलेंडर है जिसमें ये 28 कड़ी हैं जो सूर्य की सहायता से जब सूर्य का प्रकाश इस स्तंभ के ऊपर पड़ता है तो ये सूर्य का प्रकाश उस कड़ी पे जाके वो प्रकाश की परछाई, इस स्तंभ की परछाई जाके पड़ती है जिससे ये पता लग जाता है कि आज महीने का कौन सा दिन था। और ये था हिंदुओं का कैलेंडर जिसमें जो कि हिंदुओं का कैलेंडर 30 दिन का हुआ करता था, इसके अंदर ऐसे ही जैसे कि वो पहले मैंने जो मुस्लिमों का कैलेंडर था वो दिखाया था, इसमें भी सेम वैसे ही है, उसके अंदर 28 कड़ी थी और इसके अंदर 30 कड़ी हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये देखिए आप अंदर से, जो आप ये इसके बीच में जो ये सतम सा देख रहे हो, जब सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है
उसकी परछाई उसी कड़ी पे जाके गिरती है जब वो जो उस महीने का जो दिन होता है, और इसी से पता लगता था कि आज महीने का कौन सा दिन है। और मोस्टली मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जब मैं यहाँ आया था, यहाँ आने से पहले कुछ ब्लॉगरों की मैंने भी वीडियो देखी थी, लेकिन इतनी ध्यान से नहीं बताते थे, बस मोटा मोटा बता देते थे कि ये जंतर मंतर है, ये ऐसे आप वहाँ से वहाँ ऐसे आ सकते हो। और जब हम इससे बाहर की तरफ आते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं, जो मैंने दोनों बताए थे आपको, प्रकाश यंत्र और राम यंत्र, और जो ये सामने था सम्राट यंत्र, अब हम आगे की तरफ चलेंगे। इनमें से एक यंत्र और बचा है जो है मिस्र यंत्र। अब मैं आपको मिस्र यंत्र के बारे में बताऊंगा, वो थोड़ा आगे चल के, तब के आप साथ में के साथ में वीडियो को एंजॉय करते रहें। जिन यंत्रों की मैंने आपसे जानकारी दी थी उनमें से ये एक बचा मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र साल के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को बताता है, और जो हिंदुओं में राशिफल वगैरह देखने का काम होता था वो इसी यंत्र से होता था। और जो राजा जयसिंह थे उनका गणित या मैथ के प्रति काफ़ी रुझान था, लेकिन 11 वर्ष की उम्र में उनकी पढ़ाई छूट गई थी। पढ़ाई छूटने का रीज़न ये था कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद में उन्होंने राजगद्दी संभालनी थी, और 25 जनवरी 1700 में वो गद्दी पर बैठ गए थे। लेकिन इतिहासकारों का ये कहना है कि उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा था, और 1927 में उन्होंने एक खगोल शास्त्रों का एक दल बनाया था जो उसने भारत से यूरोप की तरफ भेजा था। उनका काम तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करना था, और वो दल वहाँ से कुछ यंत्र और ये कुछ चीज़ें भी लेके आया। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो राजा जयसिंह थे वो पहले इन सब का डिज़ाइन मोम से बनाया करते थे। और विडम्बना की बात यह है कि जो दिल्ली का जंतर मंतर है, इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, और बिल्डिंगें बनने के कारण ये अपनी सही दिशा और सही समय नहीं बता पाता है। और इसके दूसरी तरफ जयपुर का जंतर मंतर है जो आज भी बिल्कुल सही है, जिससे हिंदुओं का पांच जन्य और वो सब हमारा राशिफल उस यंत्र से देख के बनाया जाता है। और इसकी दूसरी ओर जो मथुरा का वेद्यशाला थी वो 1850 में लगभग लुप्त हो गई थी, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और अब जाके देखते हैं तो सिर्फ उसके वहाँ पे कुछ अवशेष हैं, जिससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जंतर मंतर हुआ करता था। लेकिन इतिहासकार राजा जयसिंह के इस छोटे से कार्यकाल में खगोल शास्त्र के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, इतिहास हमेशा राजा जयसिंह का ऋणी रहेगा। और चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी कमी हो या कुछ भी आपको गलती दिखे तो कमेंट ज़रूर करें, गलती को सुधारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। और फिर कभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।